सोशल मीडिया पर अक्सर स्क्रिप्टेड वीडियोस असली घटना के बताकर शेयर किए जाते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि इन वीडियोस को बनाने वाले इसे सच्ची घटना की तरह पेश करते हैं। वीडियोस में डिस्क्लेमर बस कुछ सेकंड के लिए ही आता है और लोग इसे मिस कर देते हैं। हम ऐसे ही दो वीडियोस की बात करेंगे जिन्हें हाल ही में सत्य घटना का मानकर शेयर किया जा रहा है। सबसे पहले तो बात करते हैं इस वीडियो की। क्या बताया? इसने तो बोल दिया अपने मुंह से, गवाह कर दिए, गवाह खड़ा है, ये गवाह सबूत है ये अपने पास, और ये भी सबूत है कि तूने जो है जबरदस्ती शादी करी है और अपनी बेटी से करी है। जबरदस्ती नहीं की है। अच्छा, अपनी मर्जी से करी, अपनी मर्जी शादी करी आपने। ये देखो भाई साहब, ये देखो लड़की, देखो कैसे रो रही है, देखो भाई साहब मना कर रही है, और भाई मना कर रही है, देखो रो रही है। बहन 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 डरो मत, घबराओ मत। क्या बोला इसने आपसे? जो भी बात बोली सच्चे बताओ, मैं क्या बोले इसने? मतलब आप लोग किस दबाव में आके शादी कर रहे हो? नीचे करे से, नीचे करे से। बोले थे कि जहर खिला के मार देंगे अगर शादी नहीं। वाह भाई, अच्छा हुआ, जहर खिला के मार देंगे शादी करके। मार देगा, चल मारियो, मार दे, मार दे। ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि एक हिंदू पिता ने अपनी ही दो बेटियों से शादी कर ली। इसे शेयर करते हुए लोग तंज कस रहे हैं कि अब किसी की भावनाएं आहत नहीं होती है क्योंकि ये लोग हिंदू है। इसी दावे के साथ ये वीडियो फेसबुक से लेकर ट्विटर पर वायरल है। लेकिन वीडियो के फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें ये वीडियो सतीश सिंह टीवी पर पोस्ट किया हुआ मिला। ये चैनल चलाने वाले सतीश ने बताया कि ऐसे वीडियोस अक्सर स्क्रिप्टेड होते हैं और इन्हें मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। उन्होंने हमें ये YouTube वीडियो भेजा जिसमें वायरल वीडियो शेयर किया गया है। इस चैनल पर इसी लोकेशन के और भी कई वीडियोस थे जिसमें वायरल वीडियो में दिखने वाला मंदिर दिख रहा है। इन्हीं में से एक वीडियो में डिस्क्लेमर दिया गया है जिसके मुताबिक ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं इस दूसरे वीडियो की। बोल नहीं सकती तू, बोल नहीं सकती। ये वीडियो बच्चा चोरी के दावे से शेयर किया जा रहा है। इसे शेयर करते हुए यूजर्स लिख रहे हैं कि गूंगी माँ के बच्चे को एक महिला अगवा करके ले गई। 8 मिनट का ये वीडियो गौर से देखने पर ही मालूम हो जाता है कि ये कोई असली घटना नहीं बल्कि एक नाटकीय वीडियो है। वीडियो में 16 सेकंड पर ये डिस्क्लेमर दिखता है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था। इसके अलावा हमें 7 जून का ये पोस्ट मिला। फेसबुक पेज अंकुर जसकरण ने ये वीडियो पोस्ट किया है। हमने देखा कि ये पेज अक्सर स्क्रिप्टेड वीडियोस पोस्ट करता है। और तो और, अंकुर जिसने वायरल वीडियो में एक्ट किया है उसने इस पेज पर शेयर किए गए और भी कई वीडियोस में एक्टिंग की है। तो जैसा कि ऑल्ट न्यूज ने अपनी जांच में पाया, ये दोनों ही वीडियो स्क्रिप्टेड है। ऐसे वीडियोस पर पूरे वक्त डिस्क्लेमर नहीं चलने की वजह से लोग इन्हें असली घटना बताकर शेयर करते हैं। वीडियो क्रिएटर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इन्हें पूरी जानकारी के साथ पोस्ट करे ताकि इससे गलतफहमी न हो।